आप लोग उजला सरसों देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे, देखे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। ये उजला सरसों है, बहुत से लोग नहीं जानते इसके बारे में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। बीच में वीडियो बनाना तो बंद कर दिए थे, फिर से हमें लगा ना वीडियो बनाना ही चाहिए। समय के काफ़ी महत्वपूर्णता को देखकर हमें वीडियो बनाना बंद करना पड़ा था। फिर गाइज आज से फिर से वीडियो स्टार्ट रहेगी। तो गाइज हम आज आए हुए हैं अपने खेत पे, कुछ मकई आपको दिखाई दे रहा होगा उसी का ही देंगे, जैसे मैं अभी इधर नहीं दिया हुआ है, इधर अभी नहीं दिया हुआ है और इधर दे दिए हैं, ऐसे ही हरी देंगे। और यहीं से वीडियो की इंट्रो करते हैं स्टार्ट। गाइस सुबह सुबह हमने चाय ले रखी है, अभी होटल से लिए हैं और बहुत ही ठंडी है भाई। और एक बात और, हाँ आप लोगों से अपील कर दूँ कि यह ना ही ट्रेवलिंग ब्लॉग है ना ही फैमिली ब्लॉग है, क्योंकि हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम अपने खेत के बारे में विवरण किए हैं। तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे खेती के बारे में वीडियो के, तो आप लोग यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट किए हैं खेत से ही और खेत में ही समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत काम है। तो आप ये देख सकते हैं मसूर है और सरसों है, ये हो गया कच्चा सरसों, अभी कच्चा है, और ये सब मसूर हो गया। तो लमसम 2 कट्ठे में हम मसूर का खेती किए हुए हैं, और ये पूरा प्लॉट है 4 कट्ठा का, इसी में हम कुछ कुछ किए हुए हैं। और इधर देख सकते हैं ये हो गया प्याज, जो बड़े बड़े ढेरी में आप लोग अभी लाल लाल होता है खाते हैं, ये भी पौधे में ही है। ये हो गया प्याज और ये हो गया तंबाकू, देहाती भाषा में हम इसको कहते खैनी। तो गाइस थोड़ा थोड़ा ही बहुत कुछ किए हुए हैं। ये हो गया प्याज और इधर हो गया लहसुन। आपको देखने में तक आपको देखकर अचंभित होगा कि प्याज और लहसुन दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, अलग अलग पौधा है, लेकिन लगता है सेम एक ही जैसा। ये देख सकते हैं ये लहसुन है जो उजरा उजरा ढेरी होता है, और इस सब सब्जी में डालते ही बहुत ही मज़ा देता है। और ये हो गया क्या कहते धनिया, ये धनिया है। और इधर देख सकते हैं इधर गोभी, जिसे हम लोग अपने देहाती भाषा में खोबी कहते हैं, इसे गोभी। और ये हो गया मिर्ची, और इधर इसमें क्या है मालूम नहीं, बीज है इसमें शायद सजमन उजमन का बिछन है, घिउरा उरा का मालूम नहीं चल पा रहा है। और देखिए ये सब मिर्ची है दुआरी में। और इधर हो गया मकई, जिसको मक्का कहते हैं, हम लोग मकई कहते हैं, ऐसा ही मकई का पौधा होता है। इस सारे में मकई ही है, छोटा पौधा है इसीलिए दिखने में उतना नहीं बनता है, थोड़ा और बड़ा होगा 1-1.5 महीना में तो बहुत ही अच्छा पौधे लगेगा देखने में। और इधर ये तो सरसों है ही, और उधर हो गया सुजान और सरसों का पौधा। देखिए आप लोग उजला सरसों देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे, देखे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। ये उजला सरसों है, बहुत से लोग नहीं जानते इसके बारे में। और इधर सुजान हो गया, जो बकरी को या क्या कहते हैं भैंस गाय को काट के खिलाते हैं। और उधर का प्लॉट में मेरा हो गया गेहूँ, वो अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। रेडी हो चुके हैं, अब घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। अभी सुबह का हो रहा है, 7 बज रहा है, आप लोगों को वीडियो आज साँझ में देखने को मिलेगा या 10 बजे से पहले। तो अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आज से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपका कौन सा खाने पदार्थ का अच्छा भाग लगा, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक यू। और हाँ कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा।